हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। किष्किंधापति महाराज सुग्रीव, भगवान पुंडरीकाक्ष आपको एक आदर्श प्रजावत्सल राजा होने का यश प्रदान करें। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। अंगद, ये सब इन्हीं के श्री चरणों का प्रताप है, इनके श्री चरणों में नमस्कार करो वत्स। युवराज अंगद, भगवान तुम्हें सुखी दीर्घायु तथा यशस्वी करे। किष्किंधापति महाराज सुग्रीव, भगवान पुंडरीकाक्ष आपको एक आदर्श प्रजावत्सल राजा होने का यश प्रदान करें। बैठिए महाराज। महाराज, लक्ष्मण ने हमें किष्किंधा के सारे समाचार सुनाए हैं। हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राज्य के समस्त प्रमुख जनों, परिजनों एवं प्रजा ने राजा के रूप में आपका स्वागत किया है। जिस राजा को इतना स्नेह मिले उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। आप सूर्य पुत्र हैं, इसलिए भगवान सूर्य की भांति अपने वात्सल्य की किरणें सारी प्रजा में एक समान प्रदान करनी चाहिए, जिससे सबके घरों में सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। यद्यपि आपके पास हनुमान, जामवंत, नलनील आदि बुद्धिशाली मंत्री हैं, फिर भी हम आपको परामर्श देंगे कि वाली के साथ जो मित्र थे उन्हें भी अपने मंत्रिमंडल में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। विशेषतः वाली के मित्रों को यह आभास नहीं होना चाहिए कि उनका अस्तित्व अर्थहीन हो गया है। इस साम्राज्य को समृद्धशाली बनाने में जिनका योगदान है उनका सहयोग अवश्य लेना चाहिए। इससे एक ओर तो प्रजा कल्याण के कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे, दूसरी ओर राज्य में फूट नहीं पड़ेगी। इस समय आपका प्रथम कर्तव्य है राज्य की समस्त शक्तियों का संगठन। उससे भी पहले मेरा कर्तव्य है देवी सीता की खोज कराना, जिससे कि उनकी मुक्ति का उपाय किया जाए। आपने ठीक कहा महाराज सुग्रीव, सर्वप्रथम हम सबका कर्तव्य यही है कि चारों ओर भाभी की खोज कराई जाए। परंतु उस अभियान के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है लक्ष्मण, वर्षा का आरंभ हो चुका है, चारों ओर नदी नाले चढ़े हुए हैं, यातायात संभव नहीं है, इसीलिए चौमासे में सारी यात्राएं स्थगित कर दी जाती है। महाराज सुग्रीव, ये चार मास आप अपने नए राज्य को सुव्यवस्थित करने में लगाइए। इसके पश्चात कार्तिक लगते ही आप सारे वानरों को इकट्ठा करके हमारे पास आइए, फिर इस महाअभियान का श्री गणेश किया जाएगा। ये चार मास हम प्रसरवन गिरि पर्वत पर निवास करेंगे।